नमस्कार, स्वागत है आप सभी का जेजेएन न्यूज में और मैं हूं आपके साथ वैशाली। हाल ही में जारी हुए यूपीएससी परीक्षा के रिजल्ट में उत्तराखंड की बेटियों ने सफलता का परचम लहराया है। इस रिजल्ट में हल्द्वानी की दो बेटियां दीक्षिता जोशी और मीनाक्षी आर्या भी सफलता हासिल करके हल्द्वानी का मान बढ़ाया है। इसी के साथ ही बीते दिनों हाईस्कूल और इंटरमीडिएट का भी रिजल्ट आया था। इसी क्रम में आज हल्द्वानी की कोतवाली मीटिंग हॉल में आज हाईस्कूल और इंटरमीडिएट 2023 की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। आपको बता दें, इस मौके पर हल्द्वानी का मान बढ़ाने वाली दीक्षिता जोशी और मीनाक्षी आर्य द्वारा करियर काउंसलिंग की गई। इसके साथ ही बच्चों को उनके भविष्य के लिए निर्णय देने में मदद भी की गई। वहीं इन बच्चों में नैनीताल पुलिस के बच्चे भी शामिल हैं, जिन्हें सम्मानित किया गया। इस मौके पर SSP पंकज भट्ट ने सभी बच्चों को उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की है। नैनीताल पुलिस के जो कर्मचारी हैं उनके 38 बच्चे जिन्होंने 85% या उससे ऊपर के मार्क्स हाईस्कूल और इंटर में लाए हैं, उनको सम्मानित किया गया है। और ये हमारे खुशी का विषय भी है कि नैनीताल सर, मैंने अपनी जर्नी से न सिर्फ यूपीएससी की, अपनी लाइफ जर्नी से जितना कुछ एज अ स्टूडेंट सीखा है, मैंने वही अपने जो बच्चे थे यहाँ पे उनको पास ऑन करने की कोशिश करी और उनको ये मोटिवेट करने की कोशिश। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि मुझे यहाँ पे इतने होनहार बच्चों को सम्मानित करने का मौका मिला और इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट मिला पुलिस सिस्टम हल्द्वानी से, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता है और यूपीएससी ने मुझे इतनी बड़ी सफलता दी। मैं 11th क्लास में पढ़ती हूँ, मेरा नाम कोमल भंडारी है, मेरे 96.6% आए और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमने अपनी मेहनत, खुद की मेहनत से इतने 96.6% प्राप्त किया है। ये खबर तैयार की है हमारे संवाददाता दीपक अधिकारी ने। तो अभी के लिए इस खबर में इतना ही, बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए जेजेएन न्यूज के साथ। धन्यवाद।